ओम शांति। आपका प्रश्न है, राजा जनक को सैकिन में मुक्ति मिली, क्या ये त्रेता वाला जनक है? राजा जनक को सैकिन में मुक्ति मिली, त्रेता में कोई सीता का पिता जनक हुआ या नहीं हुआ ये तो कोई प्रमाण नहीं है, परंतु जो दुनिया में आम सभी जानते हैं कि एक राजा जनक था, चाहे वो कहानी झूठी है, और उस जनक के साथ अष्टावक्र भी जुड़ा हुआ है। अब कहानी जो बनी हुई है वो सबकी बुद्धि में है, इसलिए यहां इसका जिक्र किया गया है। बाकी प्रैक्टिकल में कोई त्रेता में ऐसा जनक राजा हुआ नहीं, त्रेता में कोई ऐसा राजा जनक हुआ नहीं। इस बात को बुद्धि में रख, क्योंकि त्रेता में कोई राम ऐसा नहीं हुआ, कोई दशरथ ऐसा नहीं हुआ, कोई रावण ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि ये कहानी सारे संसार में सबकी बुद्धि में बैठी हुई है, वो सत्य कथा नहीं है। इस प्रकार का कोई ऋषि अष्टावक्र हुआ हो, जैसे व्यास हुआ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में हुए, वाल्मीकि हुआ, उस समय कोई अष्टावक्र नाम का कोई व्यक्ति हुआ हो जिसके शरीर में आठ वक्र टेढ़ हो, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है कि वो विद्वान भी हो सकता है कि उसने अच्छी बातें दी हो, क्योंकि अष्टावक्र की जो जनक के साथ कथा है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वो वाल्मीकि रामायण से अलग है। हो सकता है कि अष्टावक्र ने अपनी कथा को जनक के साथ जोड़ दिया, और जनक कोई और भी हो सकता है, कोई और राजा भी हो सकता है, सीता का पिता भी हो सकता है, परंतु त्रेता में ऐसा कोई था कोई प्रमाण नहीं है। बाबा ने ये इसीलिए यहाँ पर स्मृति दिलाई है कि अष्टावक्र गीता के का संबंध जनक के साथ है, और जनक को सैकिन में मुक्ति मिली, और उसके अंदर भी वो भाव अभिव्यक्त है कि संसार में रहते हुए कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहना, सारे राजपाट को देखते हुए राजपाट के कारण से एकदम न्यारा, यही उन्होंने उसे पेपर लेने के लिए कहा कि जाओ सारा महल घूम के आओ, याद रखना कि यदि तुम्हारे हाथ में जो भरा हुआ तेल का कटोरा है उसमें से एक बूंद भी गिरी तो पीछे आ रहा सिपाही आपकी गर्दन काट देगा। मौत की स्मृति हमें बहुत बहुत अलर्ट रखती है, सावधान रखती है। यदि हम सावधान रहे हैं कि बाबा की श्री मत पर ही हमें देखना है, सुनना है, चलना है, बोलना है और करना, तो मुक्त हो जाएंगे, कोई बंधन नहीं रहेगा ना, क्योंकि बंधन बनता ही विस्मृति से है। जब हम आत्म स्मृति को विस्मृत करते हैं, जब हम अपने को देह समझते हैं, देह के संबंध और देह के जरूरत की वैभवों को तवज्जो देना शुरू करते हैं,
तो हमें दुख की फीलिंग आती है कि हमें न्यारा प्यारा सेकंड में मुक्ति मिल जाए। ये बाबा का विशेष अटेंशन और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 921-06-986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।